नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर पर। नई दिल्ली के इंडिया गेट से श्री समेध शिखर जी को पवित्र क्षेत्र घोषित करने की मांग को लेकर राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देने हजारों की संख्या में पहुंचे जैन बंधु। वहीं दिल्ली पुलिस किस प्रकार जैन बंधुओं को हिरासत में ले रही है और लाइट काट दी। जिस तरह पूरा जैन समाज श्री समेध शिखर जी को पवित्र क्षेत्र घोषित करने की मांग को लेकर धरने दे रहा है, वही अब जैन समाज के बंधु दूर दराज से दिल्ली पहुँच कर केंद्र सरकार को कुंभकर्ण की नींद से जगाने के लिए राष्ट्रपति के दरबार पहुंचे हैं। ये है अर्थ प्रकाश की खास रिपोर्ट। इंडिया गेट पर है इस समय पूरा का पूरा जन सैलाब, जैन समाज का पूरा जन सैलाब इस समय इंडिया गेट पर है। और आप ये देख रहे हैं जो गाड़ियां हैं, ये हम लोगों को यहाँ से ले जाने के लिए आई हैं, विस्थापित करने के लिए आई हैं। एक जो बड़ा आंदोलन इस समय जैन समाज लेकर के चल रही है, उसे पूरी तरीके से नष्ट करने के प्रयास दिल्ली पुलिस ने पूरी तरीके से हमारे ऊपर आजमाए हैं। रास्ते में हम लोगों को रोका गया, आने नहीं दिया गया। बैरिकेडिंग के माध्यम से हमारे यहाँ की महिलाओं के साथ जिस तरीके से ऊपर आजमाए हैं, बैरिकेडिंग करके हम लोगों को रोका गया, पूर्णतः अनुचित था। आप ये देखें कि बड़ी बड़ी पुलिस की जो गाड़ियां लगी हुई हैं, वो तमाम आप इस तरफ देखें, हजारों लोग इस समय आप लोगों के सामने हैं। और इन तमाम लोगों को रोकने के लिए ये पुलिस की गाड़ियां लगभग 7-8 गाड़ियां यहां से भर करके जैन समाज के लोगों को अब तक ले जाया जा चुका है। और ये तमाम भीड़ अभी इसी इंतजार। जय जिनेंद्र बंधुओं, आज जिस प्रकार से पूरे देश से हमारा जैन समाज भारत सरकार भारतीय के राष्ट्रपति माननीय जी को ज्ञापन देने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से इंडिया गेट पहुंचने का प्रयास किया, हमने दिल्ली पुलिस से अपील की थी, लेटर भी दिया था कि हम कोई किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन, किसी प्रकार का कोई साउंड सिस्टम लेकर नहीं आएंगे। कल रात और आज पूरे दिन इंडिया गेट पर हजारों की संख्या में लोग नया साल मनाने के लिए उमड़े, लेकिन दिल्ली पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन आज इस शांतिपूर्ण जैन समाज के शांतिपूर्ण तरीके से हिंसक तरीके से ज्ञापन देने के कार्यक्रम को रोकने का प्रयास किया गया, जगह जगह हमारे लोगों को रोका गया, बसों को रोका जा रहा है। अभी अभी हमारी कम से कम 200 बसें बॉर्डर पर खड़ी हैं, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। जैन समाज इस बात को याद रखेगा। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, हमें भी यहाँ पर पूरा सील कर दिया गया था और पूरे जो इंडिया गेट का चारों तरफ कई किलोमीटर तक का एरिया को पूरा बैरिकेड कर दिया गया है, हजारों की संख्या में पुलिस डिप्यूट है। लेकिन जिस प्रकार से जैन समाज का उत्साह कम नहीं हुआ और संपूर्ण भारत से आप जिस प्रकार से यहाँ पर पहुँचे हैं, वो बहुत साधुवाद के पात्र हैं। आज जैन समाज का पचरंगा उस इंडिया गेट पर उन लाखों की भीड़ के बीच में खड़ा हुआ। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, भारत का नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सारे टीवी चैनल आज आपको पूरे देश में हमारे श्री समेध शिखर की मांग को, क्या मांगा हमने, सिर्फ पवित्र क्षेत्र घोषित करो, इतनी सी बात को हमने ज्ञापन देने के लिए जाना था। यहाँ पर हमारी प्रतिनिधिमंडल, 11 लोगों का प्रतिनिधिमंडल यहाँ से जा चुका है और रास्ते में जाम के कारण और बहुत जल्द राष्ट्रपति भवन पहुँचने वाला है। मैं सभी बंधुओं से निवेदन करूँगा, जैसे ही वो राष्ट्रपति भवन में ज्ञापन को देते हैं, हम उसकी घोषणा करेंगे और आप जो है फिर अपने अपने घरों को लौट जाएं। और दूसरा निवेदन ये है कि हमें वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई विरोध प्रदर्शन नहीं करना है, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग अपना ज्ञापन देने गए हैं। हमें किसी भी पार्टी, किसी भी नेता या दिल्ली पुलिस के खिलाफ कोई शब्द नहीं बोलने हैं। हमें दिल्ली पुलिस को पूरा सहयोग करना है, यातायात को बिल्कुल दुरुस्त रखना है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ सभी को धन्यवाद देता हूँ। जय जी। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।